सोएलेगन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इसी प्रोडक्ट को जिसके सामने 5 स्टार लगे हुए हैं, जो कि डिनोट करते हैं ये अपने सेगमेंट की सेफेस्ट पेट्रोल SUV है। ये है आपके सामने स्कोडा कुशैक। इसका स्टाइल वेरियंट है 1.0 TSI, अपना ऑटोमेटिक वेरियंट है। कीमत किसकी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 17,40,000 एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करती है। अब इस प्राइस पॉइंट पर ये प्रीमियम प्रोडक्ट आपको क्या क्या चीज़ ऑफर कर देता है। प्रीमियम मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक्चुअल में जो उसकी क्रीजेज हैं, लाइंस हैं, जो उसकी शार्पनेस है और जिसकी सोबरनेस है ना गाड़ी की, वो लिटरली प्रीमियम लगती है। और दूसरा फिर यहाँ पे स्कोडा का लोगो जो है, और स्कोडा जानी जाती है अपनी प्रीमियम कार्स के लिए। और क्या है प्रोडक्ट वो सब इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर करती है इस सेगमेंट में, किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से बेहतरीन है, वो सब चीज़ इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। बने रहना वीडियो पे और बताना आपको ये गाड़ी कैसी लगी। बाकी अभी चाबी से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे दो चाबियाँ आपको देखने को मिलती हैं, देख सकते हो। यहाँ पे डोर को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है। बूट को यहाँ से आप खोल सकते हो, मतलब मैनुअली खोलना पड़ेगा, यहाँ से अपना लॉक अनलॉक हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे फिजिकल की मिलती है, जो कि अपना इमरजेंसी टाइम में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये सेम चाबी मिलती हैं, दोनों सेम कंट्रोल्स के साथ हैं, आप देख सकते हो। अभी रख लेते हैं इसे पॉकेट में और अभी इस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये हैं इसके डायमेंशन वगैरह, देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और फ्रंट से अभी स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ जो है, जर्मन कार्स हैं ये भाई, अपनी पेंट जॉब के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं, इनकी पेंट जॉब देखो आप, क्या स्लीक कलर्स हैं, मतलब स्मूथ से कलर्स हैं। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये वाइट एक नॉर्मल वाइट से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो अपना जो सॉफ्टनेस है ना कलर के अंदर, वो चीज़ दिखती है। तो एक ये चीज़ है। बाकी बोनेट के ऊपर आप ये लाइंस देख सकते हो, शायद आपको दिखें ये लाइंस वगैरह, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके की प्रोफाइल इस गाड़ी की, आप जल्दी से बोर नहीं होगे इससे। ऐसे ही अभी फ्रंट से स्टार्ट करें तो इसकी हेडलैम्प यूनिट देखो, जिसके DRLs हैं, इंडिकेटर, प्रोजेक्टर बेस यहाँ पे हेडलैम्प का सेटअप है। जितना भी अंदर का अपना सेटअप है, जितना भी आप देख रहे हो, सब ग्लॉसी ब्लैक और क्या फिनिशिंग दी हुई है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मेंशन है प्रॉपर तरीके से, स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग। तो ये चीज़ है, ये इसके फॉग लैंप्स आ जाते हैं नीचे की साइड, और ये वाला पोर्शन जो है ये खाली है, मैट फिनिश में है। बाकी यहाँ पे क्रोम के स्ट्रिप्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलती हैं, टोइंग हुक की प्लेसमेंट है। और फिर आती है इसकी शानदार सी ग्रिल, ये देखो एकदम प्रीमियम लगती है, मतलब जो खड़े हुए स्पाइक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। इसके जो लिप्स वगैरह आप देख रहे हो, सब क्रोम में दे हुए हैं। यहाँ नंबर प्लेट आएगी अपनी, और ये नीचे का जितना पोर्शन आप देख रहे हो, सब ये मैट फिनिश में ही है। और साइड में फिर क्लैडिंग वगैरह आ जाती है। साइड सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसका रेशियो देखो आप, फेंडर के ऊपर इसका जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से बिठाया हुआ है कि ना तो देखो फेंडर अपना डल लग रहा है यहाँ पे, और ना ही कुछ क्लैडिंग ऐसी लग रही है कि भाई बिल्कुल दी नहीं हुई है। तो बहुत सही रेशियो में यहाँ पे क्लैडिंग मिलती है आपको। और फिर थोड़ा नीचे आते हो तो यहाँ पे अपने टायर सेक्शन वगैरह की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल C8 के यहाँ पे टायर्स हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 205/55 R17 17 इंच का कुछ ऐसे मिलती है मशीन कट अलॉयज, यहाँ पे आगे डिस्क, और पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलती हैं। अपना फेंडर पे स्कोडा की बैजिंग है, और ये अपना बिडिंग्स वगैरह आप देख सकते हो, मतलब क्लैडिंग के साथ बढ़िया मर्ज हो जाती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी आपको ऑफर करती है। ORMs की बात करें तो ये जब भी आप चाबी से अपना लॉक अनलॉक करोगे गाड़ी को, तो वो वेलकम फीचर मिलता है, फोल्ड एंड फोल्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह हैं, ऊपर की साइड सनरूफ आती है, जो कि टू मच प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं सिर्फ नाम के लिए दे दिए, आप इसे यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। कभी आपका मन करे गाड़ी खड़ी करके आप कहीं से बाहर निकलना चाह रहे हो पहाड़ वहाड़ों पे, तो आप आराम से बाहर निकल जाओगे। रूफ रिल्स वगैरह जो कि सिल्वर कलर के हैं, वाइट के ऊपर बढ़िया सूट कर रही हैं। जो विंडोज़ हैं ये अपना प्लेन आती हैं, ये बीच वाले पिलर जो हैं ये सब ग्लॉसी ब्लैक है। ये डोर हैंडल्स आप देख सकते हो, और एक क्रोम की जो स्ट्रिप देख रहे हो ये बिल्कुल मर्ज की हुई है इसके अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर है जो कि क्रोम के साथ ही है। ऐसे ही पीछे आते हो तो यहाँ से डलेगा इसके अंदर पेट्रोल, ये देखो सिंपल। गाड़ी अनलॉक है तो आपको जस्ट ये प्रेस करना है, खुल जाएगा आराम से। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आपको सहूलियत मिलती है। नीचे जो फ्रेम लाइन देख रहे हो ये सब पूरी क्रोम के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। व्हाइट कलर के ऊपर भी आपको ये ग्लॉसी ब्लैक मिलता है। एंटेना स्पॉयलर है, स्टॉप लैम्प है, डिफॉगर है, वाइपर है, और ये कुछ इस तरीके के मिलते हैं यहाँ पे टेल लैम्प्स। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मस्त लग रहे हैं। बस ये कुछ रीजंस नहीं है इस गाड़ी को लेने की, भाई स्कोडा है, प्रीमियम है और सेफ है। बाकी इसकी जो लुक्स है ना गाड़ी की ओवरऑल, मतलब ऐसी सदाबहार सी गाड़ी है कि आप जल्दी से इससे बोर नहीं होगे, ये कुछ मेरा ऐसा मानना है। आपकी क्या राय आप जरूर शेयर करना। बाकी यहाँ स्कोडा लिखा हुआ मिलता है आपको, कुशैक यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। मॉडल की कोई ऐसी बैजिंग नहीं है। नंबर प्लेट लाइट जो है वो व्हाइट कलर की मिलती है। यहाँ पे आप देखो रिवर्स कैमरा भी है, 3 पार्किंग सेंसर्स भी हैं, ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और नीचे का जितना पोर्शन आप देख रहे हो सब ये मैट फिनिश में, बात हो यहाँ की या फिर सिल्वर वाले पोर्शन की, तो सब मैट फिनिश में ही है। और अभी बात करते हैं इस गाड़ी के बूट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन मिलती है इसके जस्ट कैमरा के साइड में, जिसे प्रेस करके आप अपना बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हो सिंपली।
यहाँ बूट स्पेस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 385 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पे मिलती है। एकदम फ्लैट सी सरफेस है तो आपका स्पेस जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। फर्स्ट एड किट है, बूट लैंप है, ये अपना टूल किट वगैरह है और यहीं पे मिलता है स्पेयर व्हील जो कि आपको अपोलो का मिलेगा। और जो स्टैंडर्ड चारों टायर हैं फिलहाल इसके अंदर वो सीएट के हैं। और इसके टायर सेक्शन की बात करें तो ये आपको 205/55R16, तो ये एक साइज डाउन भी है और थोड़ा पतला भी है उससे, तो ये है। और ये टूल किट वगैरह आपके सामने, तो अभी ये है सारी चीज़ें। 60/40 का यहाँ पर ऑप्शन है, पार्सल ट्रे है। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर से क्या क्या ऑफर करती है। बाकी ओवरऑल इधर की साइड से आप देख लो इसकी प्रोफाइल एक नंबर, मतलब ये लाइंस वगैरह जो देख रहे हो ना इसकी वेव्स मज़ा एकदम दीवाना बना देती हैं। बाकी अभी चलते हैं अंदर, अंदर की बारे में बातचीत करते हैं। तो अंदर जाने से पहले ये देख लो डोर पैनल कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे डुअल पैटर्न आपको मिलते हैं, मतलब ब्लैक है और ये अपना ग्रे शेड यहाँ पे मिलती है। लेदर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप अपनी एल्बो वगैरह रखते हो तो आपको ज़्यादा हर्ट वगैरह नहीं होगा। ये अपने विंडोज़ के लॉक हैं, चारों पार विंडोज़ हैं। ORM इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। क्रोम डोर लिवर है, काफ़ी स्टडी सा। ये ग्लॉसी टिम्स वगैरह हैं, स्पीकर है, बोतल होल्डर वगैरह है। और ये है पूरा डोर पैनल आपके सामने देख लो कुछ इस तरीके से। इसका प्लेट्स है यहाँ पे कुछ आपके देख सकते हो आप। और ये 6-way मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे सीट आती है और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लेदर सीट्स हैं। और इनको पे स्टिचिंग वगैरह जो देखोगे आप ऑरेंज कलर की, और ये भी डुअल शेड्स में है, मतलब ग्रे ही शेड है दोनों, बट एक लाइटर है और एक थोड़ी डार्क टोन में। यहाँ से खुलेगा बोनट, ये अपने लाइट्स के कंट्रोल है। मेन जो लाइट्स के कंट्रोल है वो यही है, लाइट लेवलिंग डायल है। नीचे दो पेडल्स हैं, एक्सलेशन ब्रेक और डेड पेडल के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड अपना स्पॉट भी दिया हुआ है। बाकी अभी अंदर चलते हैं और अंदर की चीज़ों के बारे में अंदर से ही बातचीत करते हैं। तो ये देखो अभी मैंने जस्ट गाड़ी खोल लिया, अनलॉक करी है और यहाँ पे तो देख रहे हो स्कोडा का लोगो हो गया। ये मतलब ऐसे पन्नी वगैरह के ऊपर नहीं था, इसके डिस्प्ले के अंदर ही बन के आता है। तो ये थर्ड एकदम सॉलिड है, मतलब जितनी बार आप गए देखो फिर से जल की लाइट इसके अंदर, तो जितनी बार भी आप इसका दरवाजा खोलोगे बंद करोगे आपको महसूस होगी चीज़ कि यहाँ पर आप एक सेफ प्रोडक्ट के अंदर बैठे हुए हो। तो ये चीज़ें, बाकी ऑन करके दिखाता हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है इसके अंदर, जैसे आप ऐसे एक बार प्रेस कर दोगे सारी चीज़ें ऑन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ये डिस्प्ले जो सामने मिलती है प्रॉपर डिजिटल है ये, और काफ़ी शानदार कलर जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। टाइम आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह और किस स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो ये उसकी थीम वगैरह चेंज हो जाती है जब भी आप मोड वगैरह अपने सेलेक्ट करोगे। टेम्परेचर है, फ्यूल वगैरह है और सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह है, पार्किंग ब्रेक का रिमाइंडर यहाँ पे है। पी यहाँ पे बन के आ रहा है क्योंकि अभी पी के ऊपर ही खड़ी हुई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे अपना क्रूज कंट्रोल लेफ्ट साइड में, या फिर वाइपर्स वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आपको इसे पासिंग देनी हो तो वो कंट्रोल आपको इस क्रूज कंट्रोल वाले लेवर के ऊपर देखने के मिलेगा, मतलब आप अपनी साइड से खींचोगे तो पासिंग का काम भी करेगी। पैडल शिफ्टर्स हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है। और स्टेयरिंग की बात करें तो प्रॉपर लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, 2-spoke स्टेयरिंग है। इसकी कॉपी करने की कोशिश की गई है वरना के थ्रू, बट उसके अंदर इतना कोई खास मजा मुझे नहीं आया भाई पर्सनली। बाकी गाड़ी वो अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑफेंड मत होना कोई वरना वाला भाई देख रहा हो। तो गाड़ी वो अच्छी है बट इसके अंदर थोड़ी जो बात है ना वो बिल्कुल अलग है। इसके स्टेयरिंग का जो फीडबैक है मस्त है एकदम, खुलना के इन हैंड फील जो है काफ़ी रिच, काफ़ी हैंडी, काफ़ी मतलब एक्यूरेट सी फील होती है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्टेयरिंग है। क्रोम का वर्क आप देख सकते हो, स्कोडा का लोगो है यहाँ पे। और ये अपना जो डायल्स वगैरह आप देख रहे हो, देखो इनका फीडबैक ही एक नंबर है भाई ये देखो। और इन्हें आप ऐसे बटन वगैरह की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मतलब दबती भी हैं देखो आप यहाँ से, मैं कह रहा था ना ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं देखो बढ़िया तरीके से। तो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। और स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिलती हैं देखो, मतलब इसके लिए ना आपको तरीके से वो चीज़ करनी पड़ेगी, दोनों हाथों से करना पड़ेगा। बाकी ये देखो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। एयरबैग की बैजिंग है, यहाँ पे 6 एयरबैग आते हैं गाड़ी के अंदर, तो एक ही चीज़ बहुत बढ़िया है। डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में। ऊपर की साइड यहाँ देखो वैनिटी मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, अपने सनरूफ के कंट्रोल्स हैं देखो, काफ़ी बड़ी सी सनरूफ मिलती है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। नाम के लिए सिर्फ नहीं दी हुई है, व्हाइट लाइट मिलती है, एकदम स्पॉट पर पड़ती है बढ़िया एकदम। और ये अपना एक स्मार्ट आईआर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इधर की साइड देखो तो टिकट होल्डर की प्लेसमेंट है और मटेरियल जो है वो काफ़ी मस्त है, मतलब लॉन्ग टर्म तक चलेगी गाड़ी। डैशबोर्ड का व्यू देखो आप, एक नंबर स्लीक, मतलब मैं एक शब्द में बोलूँ स्लीक एकदम बढ़िया, एलिगेंट, जबरदस्त, मतलब कितनी तारीफ करूँ, मतलब सोबर सा है ना ये, इस चक्कर मुझे ज़्यादा पसंद है यार थोड़ा सा। मतलब कुछ भी कलर ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी वजह से जल्दी बोर हो जाऊँगा, पैटर्न्स ऐसे नहीं है कि भाई कुछ ज़्यादा फैंसी बना दिए हूँ, सोबर सिंपल सारी चीज़ें। बस यही एक खास जाता है जर्मन कार्स की कि आप इन्हें लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो, तो बस इसी चक्कर में मुझे पसंद है भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर स्पेस वगैरह दी हुई है, टेक्सचर्स आप देख सकते हो, ग्लॉसी टिम है, स्कोडा यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। टस्की इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ आता है, और मिरर लिंक भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह देख सकते हो आप, इन नोब्स वगैरह मिलते हैं। बाकी ये जो पोर्शन है ये सब टच में है, ये देखो बढ़िया।
तो ये सारी चीज़ें आपको टच में मिलते हैं, देखो स्मार्ट लिंक वगैरह सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एसी वेंट्स हैं, ये अपने वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं आगे वाली दोनों, यहाँ से आईडी स्टार शो वाली बटन आपको मिल जाती है। एसी के जितने कंट्रोल्स हैं सब आपको टच में मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, दो टाइप सी पोर्ट्स हैं भाई, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि होनी चाहिए। और साइड एक 12 का चार्जिंग सॉकेट भी है। ये आता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का गियर लीवर, शानदार सा, और इसके अंदर भी लाइट जल रही है अभी फिलहाल, तो जब आर पे आएगी तो आर पे लाइट जलेगी, एन और डी पे आएगी जब ऐसे यहाँ पे लाइट जलेगी। हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ, कप होल्डर्स मिलते हैं, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे, आर्म रेस्ट है जो कि स्लाइड होता है, और देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फ्रीली घूम रहा है, और भाई मतलब कुछ भी ऐसा है कि भाई चीप सा फील हो, स्टडी है एकदम, तो फ्रिक्शन है इनके बीच में बढ़िया। और ये देखो यहाँ पे स्पेस मिलती है अच्छी खासी, और यहाँ ग्लो बॉक्स की बात करें तो देखो काफ़ी डीप स्टोरेज मिलती है और एक कूलिंग फंक्शन के साथ आपको मिलता है। तो ये हैं सारी चीज़ें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। बाकी अभी चलते हैं पीछे और पीछे की स्पेस वगैरह की बातचीत करते हैं कि पीछे से आपको ये गाड़ी क्या क्या चीज़ें ऑफर कर देती है। और अभी चलते हैं पीछे और पीछे की स्पेस वगैरह की बातचीत करें तो उससे पहले देख लो डोर पैनल, यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, डुअल पैटर्न्स हैं। और ये देखो सोबरनेस क्या है भाई, शानदार लग रहा मटेरियल ओवरऑल। यहाँ पे क्रोम डोर लिवर है, लेदर है यहाँ पे, और एक ग्रे शेड है, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर बोर्ड होल्डर, सारी चीज़ें हैं। बाकी कम्फर्ट की बात करते हैं मेनली कि पीछे से कम्फर्ट कैसा है इस गाड़ी का, तो भाई नो डाउट ये किसी भी मतलब अपने कॉम्पिटिशन को मतलब बढ़िया तरीके से कम्पीट कर सकती है, क्योंकि जो कंफर्ट है वो बढ़िया है पीछे का, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आर्मरेस्ट मैंने किया नहीं, मुझे होके मिला और एकदम से जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी कंफर्टेबल पोजीशन पे मैं बैठा हूँ। रियर एसी वेंट्स यहाँ पे सहूलियत के लिए, यहाँ पे पॉकेट मिलेगी आपको, और वो पॉकेट यहाँ पे भी दी हुई है। दो टाइप सी पोर्ट्स हैं भाई पीछे देख रहे हो, मतलब कोई यूएसबी नहीं, कोई मतलब 12 का चार्जिंग सॉकेट नहीं, सिर्फ टाइप सी पोर्ट यहाँ पे है मिनिमल सा हम पे, बट यहाँ पे तीन बंदे बड़े आराम से बैठ के जाएंगे। आर्मरेस्ट आप देख सकते हो लटक नहीं रहा, पहली चीज़ तो ये। बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह है और प्रॉपर लेदर में, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 के 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। और यहाँ पे देखो रीडिंग लाइट मिलती है व्हाइट कलर की, बहुत बढ़िया। ये देखो आप समझ भी रहे हो यार, काफ़ी ब्राइट है, छोटी सी बिंदियाँ हैं बट ब्राइट काफ़ी स्पॉट पे बढ़िया पड़ती हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, ये देखो कुछ ऐसे इजी फोल्ड होते हैं अपने आप। यहाँ पे कोट वगैरह हैंग करने के लिए आपको हुक भी मिल जाता है, इधर भी उधर भी। और ये है पीछे से डैशबोर्ड का व्यू, शानदार ये आप देखो, बढ़िया लगती है। बाकी एमिनेंट लाइट भी आपको दिख रही होगी, ये देखो व्हाइट कलर की, बहुत प्यारी। तो ये चीज़ें हैं, और अभी यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट से। बाकी कंफर्ट में कोई कमी नहीं है भाई, 5-9 के हिसाब से देखना, क्या लेग रूम है मेरे पास, थाई रूम में कोई इशू नहीं है। और ये आप हेड रूम भी देख सकते हो, एक नंबर यहाँ पे हेड रूम मिलता है मुझे। बाकी अभी चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की तरफ, इंजन दिखाता हूँ आपको कि इंजन की क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसी प्रोफाइल है और क्या पावर वगैरह है, तो उसकी बातचीत करते हैं। अभी चलते हैं डायरेक्ट इंजन की तरफ। सो अभी बात करें इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं है। बाकी इंजन कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 113 BHP डेवलप करता है, 178 Nm का टॉर्क जो है डेवलप करता है ये। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आती है 50 लीटर्स की, जैसे कंपनी क्लेम करती है अपना 16 से 18 के बीच की माइलेज। बाकी अपनी बैटरी वगैरह आप देख सकते हो, फ्लूड्स वगैरह देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ से डलेंगे अपने वाइपर फ्लूड और अपना ब्रेक ऑयल वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं कूलेंट वगैरह वो सब चीज़ यहाँ पे प्लेस्ड है। बाकी ये है ओवरऑल इंजन कंपार्टमेंट और अपना फ्यूज बॉक्स वगैरह, तो ये हैं सारी सारी चीज़ें। और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं एक सेकंड में ही। सो ये थी आपके सामने स्कोडा कुशाक, ये इसकी टॉप एंड ट्रिम थी, मतलब एक तरीके से लगा लो स्टाइल। ये 1 लीटर वाला इंजन था इसके अंदर, और ये इसके सब कुछ फीचर्स थे जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करें। बाकी कोई ओन करता है तो ये बताना कि इस गाड़ी का बिहेवियर कैसा है, एक्चुअल में चलती कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बाकी ओवरऑल जितने मैंने रिव्यूज़ देखे हैं तो ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड ही ओनर इससे, क्योंकि भागती बढ़िया है, स्टेबिलिटी ठीक है, हैंडलिंग अच्छी है गाड़ी की। बाकी अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग है तो वो जरूर शेयर करना, बाकी गाड़ी के बारे में क्या रहा है वो जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताना। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।